हेलो फ्रेंड्स, अन एकेडमी क्लास 11th के बच्चों के लिए एक स्पेशल बैच लेके आया है जो कि स्टार्ट होगी 28th ऑफ दिसंबर से। जी हाँ दोस्तों, मनोज चौहान सर इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं। पीयूष सर है, ब्रजेश सर है, नीरज सर है और शरद कोठारी सर है। ये सभी लोग क्लास 11th के लिए, जो बच्चे भी इस साल 11th में हैं उनके लिए एक रिविज़न बैच लेके आ रहे हैं जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और आप इस बैच में ज्वाइन करके आपकी जो 11th की तो तैयारी कर ही लेंगे, साथ ही में अर्ली 12th की भी एक बैच होगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। तो ये पूरी की पूरी टीम आपको पूरी मदद करेगी जिससे कि आप खुद को प्रिपेयर करेंगे जेईई मेंस और एडवांस के लिए 2022 की एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों साथ ही में यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूँगा स्पार्क 2.0 बैच के बारे में, जो कि हमारी बंसल की टीम ले रही है, जिसमें समीर बंसल सर है, आरती बंसल मैम है, शाहनवाज सर है और एम ए हक सर है। इन लोगों ने भी आपके लिए एक नई बैच स्टार्ट की है। ये 21st से बैच स्टार्ट हो चुकी है और इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में MCQ एक बैच है हमारी, MCQ 2.0 बैच, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रणीत सर, सुरेश सर, चंद्रशेखर सर, नितिन सर और मदमाला सर आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो इन सब की बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप हमारा प्रोमो कोड जो कि है पवन वाग। यहाँ पर आपको पवन वाग प्रोमो कोड यूज़ करना है। यहाँ प्लस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या आइकोनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन कोई भी लीजिए, आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और इन बैचेस को ज्वाइन करके आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर सकते हैं और डेफिनेटली आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा। तो ज्वाइन कीजिए अन एकेडमी बाई यूजिंग द प्रोमो कोड पवन वाग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रीवियस वाले क्लास को। अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, वो क्यों होता है, टेम्परेचर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है डिप्रेशन का, और वेपर प्रेशर लोअरिंग के कर्व से हम लोगों ने उस चीज़ को समझा था। और याद करो कि ऐसे ऐसे तीन कर्व आए थे, हम लोगों ने सोचा देखा था कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, वो सब डिस्कस हो चुका था। आज के क्लास में हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे उससे रिलेटेड डेरिवेशन को। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये थिंकिंग होता है कि डेरिवेशन तो पेपर में पूछा ही नहीं जाता है, कोरा कंसेप्ट पूछा जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को निकाल के देखो और वहाँ पे 3-3 मार्क के लिए पूछा गया है एक्सप्लेन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विथ कर्व, और साथ ही साथ वहाँ पे ये भी पूछा गया है एंड ऑल्सो गिव द रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो वहाँ पे हम लोग अटक जाते हैं क्योंकि हम लोग डेरिवेशन तो करके ही नहीं जाते, क्योंकि स्टेट बोर्ड अगर ओरिएंटेड पढ़ रहे हो तो डेरिवेशन तो आना चाहिए, क्योंकि ये डेरिवेशन मॉलिक्यूलर मास के साथ हर बार पूछा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना रिलेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विद द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो देखते हैं, जैसे कि आपने बॉइलिंग पॉइंट वाला अगर मेरा प्रीवियस वाला क्लास किया होगा ना, पहले हेडिंग डाल देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपने अगर मेरे बॉइलिंग पॉइंट वाले क्लासेस किए होंगे तो वहां पे भी हमने एक ही चीज देखी थी कि जो भी आपका डेल्टा टी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम को। ये हर बार ही हम लोगों ने किया है। दूसरी चीज, यहाँ पे आप ले रहे हो फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब जब आप फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे हो तो आप वहां पे कौन सा वाला टर्म यूज करोगे, एफ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एफ। अगर मैं यहाँ पे बी लिखती थी तो वो बॉइलिंग पॉइंट रहता, अगर मैंने यहाँ एफ लिखा है तो वो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा। तो जो भी आपका डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी को, ये हम लोगों ने वहाँ पे भी देखा था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आपका छोटा एम होता है, आप हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस की थी कि बड़ा एम होता है मोलालिटी का और छोटा एम होता है मोलालिटी का, तो ये रहेगा आपका मोलालिटी, ठीक है। चलिए, और आपको हमेशा से ये वाली चीज पता है कि जब भी हम लोग कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो उसके जगह पे दो चीज़ें आती है, एक होता है आपका इक्वल्स टू और दूसरा होता है आपका कोई ना कोई कॉन्स्टेंट। ये एम यहाँ पे एज इट इज आएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन के जगह पे मैंने इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट लिखा है। चलिए ठीक है,
आप याद करो, जब मैंने बॉइलिंग पॉइंट का आपको बढ़ाया था तो वहां पे मैंने के बी लिखा था, क्योंकि बी फॉर क्या होता है, बॉइलिंग। बट अब यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की। इसलिए मैं यहाँ पे कौन सा वाला टर्म यूज करूंगी, एफ। एफ का मतलब होगा आपका फ्रीजिंग, समझ में आ गया। तो ये हुआ आपका एक रिलेशन, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, अगर आपको याद होगा तो मैंने, हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्लास में एक चीज डिस्क्राइब की थी कि मोलैलिटी क्या होता है। तो जिसको वो चीज नहीं पता है वो एक बार मेरा प्रीवियस वाला क्लास करूँ। तो हम लोगों ने वहां पे मोलैलिटी के लिए कुछ रिलेशन ऑब्टेन किया था, मोलैलिटी। और उस मोलैलिटी का वैल्यू जो था वो आपका आया था 1000 × W2 / M2 × W1। ये रिलेशन वहां पे आया था, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैंने डायरेक्टली कैसे ऑप्टेन किया है। देखो, स्टेप्स को है ना बार बार पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ये स्टेप ऑलरेडी मैंने वो बॉइलिंग पॉइंट वाले क्लास में एकदम पूरे एक एक स्टेप्स में सब बताया था कि लास्ट में रिलेशन कैसा ऑप्टेन हुआ है। तो एक बार आप उसके क्लास को देखो, मुझे लगता है एक तो प्रीवियस वाला होगा या उसके पहले वाला होगा, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मोलैलिटी का ये वाला वैल्यू आया था, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू इस मोलैलिटी के जगह पे मैं इस वैल्यू को लिख सकती हूँ, इस मोलैलिटी के जगह पे। तो मैं बस वही वाले वैल्यू को लिख दूंगी। देखो इधर कैसा आएगा, के एफ इंटू इस मोलैलिटी के जगह पे मैंने इस वाले वैल्यू को लिखा है। क्या वैल्यू है आपका, 1000 × W2 / M2 × W1। ये वाली चीज जो है ना, ये है आपके फॉर्मूले का पार्ट, समझ में आ गया ना। ये रिलेशन डायरेक्टली हम लोगों ने जंप किया इस स्टेप पे, दिस वी हैव डन ऑलरेडी, राइट। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। फिर इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये भी चीजें बताई थी। ये रिलेशन पेपर में हर बार आता है, आपको ये रिलेशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है। इवन तो अगर आपको पेपर में एग्जामिनर ने रिलेशन पूछा है ना, तो रिलेशन में आपको ये भी चीज बतानी पड़ेगी कि मोलैलिटी का फॉर्मूला ये कैसे आया है। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वाले क्लास में करा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट के क्लास में देखना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग को टर्म्स क्या क्या बता रहे। सबसे पहली चीज ये है कि जो भी आपका डेल्टा टी एफ है, जाहिर सी बात है इसका नाम है एफ, मतलब फ्रीजिंग। और इसका नाम क्या है पूरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस डेल्टा टी एफ का मतलब क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरी चीज हमने क्या देखी, यहाँ पे है आपका के एफ। याद करो, जब मैंने आपको के बी पढ़ाया था, तो के बी के वर्ड में मैंने आपको पढ़ाया था, उसका नाम था एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मैंने आपको ये बताया था कि ये बहुत अजीबोगरीब नाम है, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, याद है। और मैंने उसका एक और नाम बताया था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के केस में वहां पे आपका एलिवेशन हो रहा था, इसलिए मैंने वहां पे उसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट पढ़ाया था। अब आप लोग खुद सोचो, जब बॉइलिंग पॉइंट के केस में एलिवेशन हो रहा था तो मैंने उसका नाम बोला था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट के केस में डिप्रेशन हो रहा है, तो मैं इसका नाम क्या बोलूंगी, मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इस मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के लिए एक और नाम है, वो नाम होता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब तीसरा नाम, थोड़ा सा कान खुले करके सुनो, तीसरा नाम जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। पता होनी चाहिए इस चीज की, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, ठीक है, याद रहेगा। ये तीनों नाम पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त एग्जामिनर आपको ये तीनों में से कोई भी नाम के बारे में पूछ सकता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी पूछ सकता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी पूछ सकता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और आपको वो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी पूछ सकता है। जनरली एग्जामिनर बहुत शार्प है, वो ये दोनों टर्म यूज नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों से आप पहचान लेते हो कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट है। वो आपको ये अजीब गरीब नाम देगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बहुत सारे लोगों के तो दिमाग में वो सुनते ही नहीं, वो पहली बार पेपर के दिन सुनते हैं कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जैसा भी कोई वर्ड है केमिस्ट्री में। आपको पता होना चाहिए कि ये होता है के एफ का कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है, मतलब
रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोगों ने यहाँ पे और क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि स्मॉल एम का मतलब होता है आपका मोलालिटी। मैंने प्रीवियस वाले क्लासेस में भी डिस्कस कराया था, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाते वक्त गलती से भी यहाँ पे मोलारिटी मत लिख देना, यहाँ पे आपको मोलालिटी लिखना है। याद रखना है कि यहाँ पे एल वाला वर्ड आना चाहिए, मोलालिटी मतलब है छोटा एम, स्मॉल एम, राइट। इस मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। हम लोगों ने ये भी देखा था कि मोल पर केजी कैसे आ रहा था प्रीवियस वाले क्लासेस में। चलिए इतना तो हो गया, इनको भी देख लेते ये टर्म्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देखा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाले क्लासेस में भी बताया था कि कभी भी आपको कहीं पे भी डब्ल्यू दिख जाए ना, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, मास। अगर आपको कहीं पे भी एम दिख जाए, बड़ा वाला एम, तो बड़े वाले एम का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। और कहीं पे भी आपको डब्ल्यू दिख जाए तो उसी का मतलब क्या होगा, मास। चलो और मैंने आपको ये भी चीज बताई थी, जिन्होंने प्रीवियस वाला क्लास किया होगा उन्हीं को पता होगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि वन वर्ड हम लोग यूज करते हैं सॉल्वेंट के लिए, टू वर्ड हम लोग यूज करते हैं सॉल्यूट के लिए। जिसको यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया ना कि छोटी सी दो लाइन में पूरे फॉर्मूले में बॉइलिंग पॉइंट ले लो, वेपर प्रेशर ले लो, फ्रीजिंग पॉइंट ले लो, ऑस्मोटिक प्रेशर ले लो, हर जगह पे वो गलती करेगा। एक ही चीज याद कर लो, वन मतलब सॉल्वेंट होता है तो टू मतलब क्या होगा, सॉल्यूट। चलिए वन टू वन, यहाँ पे W मतलब है मास, वन मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट, तो ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे टू है, टू का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट। यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, इसका मतलब ये क्या होगा, टू फॉर सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट। आई होप ये चीजें आपकी बहुत बेस्ट तरीके से क्लियर हो गई है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डेरिवेशन है, पेपर में पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर्स में एक एक साल छोड़ के हर साल ये डेरिवेशन आया है, कभी बॉइलिंग पॉइंट का पूछा है, कभी फ्रीजिंग पॉइंट का पूछा है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ध्यान से अगर ऑब्जर्व किया होगा ना, तो बॉइलिंग पॉइंट में भी यही फॉर्मूला ऑप्टेन हुआ था, फ्रीजिंग पॉइंट में भी यही फॉर्मूला ऑप्टेन हुआ है, सिर्फ फर्क कहाँ आया है, जहाँ पे बी था वहां पे अब एफ आ गया है, जहाँ पे बी था वहां पे अब एफ आ गया है, समझ गया ना, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए इतना पार्ट तो कवर हो गया, अब हम लोग देखते थोड़ा सा आगे, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे आपका जो के एफ है, के एफ, तो इस के एफ का मतलब क्या बताया गया है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अगर मुझे इस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगी, देखो इधर, डेल्टा टी एफ का मतलब होता है के एफ इंटू एम। अगर मैंने एम को वन रख दिया, इफ एम इक्वल्स टू वन, अगर मैं एम को वन सब्स्टिट्यूट कर दू, मतलब भी मैं मोलालिटी को वन रख दू, तो मैं डेल्टा टी एफ को ऐसे भी लिख सकती हूँ के एफ इंटू वन। इसी का मतलब मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि डेल्टा टी एफ जो है वो के एफ के बराबर आ गया, ये रिलेशन मुझे मिला है। हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट में भी यही वाला केस किया था, जिसको वो समझ गया हो तो यहाँ पर भी कर सकता है। तो मैं ये कहूंगी द कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल्स टू, या फिर मैं ऐसा लिख सकती हूँ द मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट और मैं कह सकती हूँ क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल आता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल, इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बट एक चीज याद करो, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल तो आ गया, लेकिन कब इक्वल आएगा, जब मोलालिटी जो है वो क्या हो जाए, वन, देन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वन। और यूनिटी, आप यूनिटी भी वहां लिख सकते हो। तो आपको याद रखना है, अगर आपको पेपर में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन पूछा जाए, रट्टा मत मारना, क्या करना है आपको, ये वाले रिलेशन को लिखने का है, एम की जगह पे वन लिखने का है, और जब आपने एम को वन लिखा तो क्या हो गया, ये इसके बराबर आ गया, ये इसके इक्वल आ गया,
मतलब जो भी आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है या जो भी आपका मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है उसका वैल्यू इक्वल हो जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज वन। तो ये वाला हुआ आपका, ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। आपको वहाँ पे ये चीज बतानी पड़ेगी कि मोलैलिटी जब यूनिटी होगी तभी ये दोनों इक्वल हो गए, तभी जाके आपकी डेफिनेशन भी कंप्लीट होगी। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं आगे। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट में आपका एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट आया था, फ्रीजिंग पॉइंट में आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आया है। दोनों कांस्टेंट का डेफिनेशन अच्छे से आना चाहिए कि दोनों कांस्टेंट में क्या क्या फर्क होता है, कैसे क्या आता है, वो सारी चीजें। अब देखते हैं अलग चीज। अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि अगर मैंने आपको दो सॉल्वेंट दो सॉल्यूशन दिए, ये हुआ आपका एक पहला सॉल्यूशन, क्योंकि अब हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं इसके, तो न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले उसका थोड़ा सा बेसिक तो आना चाहिए। ये हुआ भाई आपका दूसरा सॉल्यूशन। अब जैसे कि ये है आपका पहला सॉल्यूशन और ये है आपका दूसरा वाला सॉल्यूशन, ध्यान देना। तो इस पहले वाले सॉल्यूशन के लिए जाहिर सी बात है इसका कुछ W2 अलग होगा, इसका कुछ M2 अलग होगा, इसका W1 अलग होगा, इसका W2 अलग होगा, इसका M2 अलग होगा, इसका W1 अलग होगा, ठीक है। और अगर आपको बोला जाए कि आपने इसके अंदर में कुछ सॉल्यूट डाले हैं, इसके अंदर में आपने कुछ अलग सॉल्यूट डाले हैं, देखो ध्यान से, ये सॉल्यूट का कलर अलग है, इसका कलर अलग है, मतलब ये दोनों के दोनों सॉल्यूट कैसे हैं, डिफरेंट। दोनों के केसेस में सॉल्यूट कैसे हैं, अलग अलग। तो मैं यहाँ पे लूंगी सॉल्यूट ए और मैं यहाँ पे लूंगी सॉल्यूट बी, क्योंकि सॉल्यूट कैसे हैं आपके, अलग अलग, ठीक है। दूसरी चीज, आपने यहाँ पे देखो क्या देखा, जब आप सॉल्यूट ए ले रहे हो, सॉल्यूट बी ले रहे हो, तो जो आपने एक चीज ऑब्जर्व की ना यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट है वो मैंने सेम लिया है। यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट एक्स लिया है सपोज, या फिर आप सॉल्वेंट पानी ले लो, दोनों तरफ सेम सॉल्वेंट ले लेते, सेम सॉल्वेंट। और यहाँ पे भी आपने सॉल्वेंट कैसा लिया है, पानी, मतलब ये आपका वाटर, मतलब यहाँ पे आपके सॉल्वेंट क्या है, सेम, बट यहाँ पे आपके सॉल्यूट क्या है, डिफरेंट। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, देखो सॉल्वेंट सेम है, इसलिए मैं सेम लाइन से, सेम वाले मार्कर से सॉल्वेंट को ड्रॉ कर रही हूँ। तो अगर आपको पेपर में एग्जामिनर ने कोई ऐसा न्यूमेरिकल दिया है जिसमें दो दो सॉल्यूशन की बात की गई हो, जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट की बात की गई हो, और आपको पूछा जाए एक रिलेशन की हेल्प से दूसरा रिलेशन को डिराइव करो या दूसरे रिलेशन के किसी टर्म को कैलकुलेट करो, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि जब भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट अगर आपका सेम आ जाए ना, सॉल्वेंट अगर आपका सेम आ जाए, जरूरी नहीं है पानी, सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, सॉल्वेंट अगर सेम हो जाए तो वहां पे आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो भी KF है ना, KF मतलब ये जो भी आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, वो कैसा रहेगा, इक्वल फॉर सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। बस मुझे यही बताना था। तो अगर पेपर में एग्जामिनर ने आपको कोरिलेट करके न्यूमेरिकल पूछा है, क्या याद रखोगे वहां पे, आपको बस वहां पे यही चीज ऑब्जर्व याद रखनी है कि सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी अगर दोनों के केस में सॉल्वेंट जो है वो सेम यूज किया गया हो, जरूरी नहीं है पानी, कोई भी और हो सकता है, तो वहां पे आपका KF जो रहेगा, कांस्टेंट जो रहेगा, वो कैसा रहेगा, इक्वल। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। हम लोग जो है ना वो न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रॉब्लम नंबर 2.8 जो कि दिया है स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38 पर। प्रॉब्लम नंबर 2.8 वी आर डिस्कसिंग टुडे राइट नाउ, ठीक है। सो प्रॉब्लम नंबर 2.8 आप लोग खुद भी अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, यह आपको दिखेगा पेज नंबर 38 पर, ठीक है। चलिए देखते पढ़ते डेटा को और हम लोग हमारा वाला ही ट्रेंड फॉलो करेंगे, गिवन डेटा और टू फाइंड वाला, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं लिखूंगी गिवन डेटा और बाद में हम लोग लिखेंगे टू फाइंड। चलिए पढ़ते, जैसे जैसे एक लाइन पढ़ेंगे जो जो डेटा मिलेगा उसको लिखेंगे। 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया व्हेन डिसॉल्व इन 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया, ये क्या हुआ आपका सॉल्यूट, यूनिट क्या है ग्राम, मतलब ये क्या हुआ मास, मतलब ये हुआ आपका मास ऑफ सॉल्यूट,
जो कि आपको दे रखा है उसने 1.02 ग्राम्स, ठीक है। दूसरी चीज, व्हेन डिसॉल्व इन 98.5 ग्राम ऑफ सर्टेन सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, उसने आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट उसने आपको दे रखा है 98.5 ग्राम्स, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आपने बोला है डिक्रीज इन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज मतलब ही क्या होता है, डिप्रेस मतलब ही कम, मतलब ही डेल्टा टीएफ, उसने आपको डेल्टा टीएफ भी दे रखा है 0.211। चलिए देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, थोड़ा सा देखो, डिक्रीज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय, और जब भी कोई चीज बाय में आती है ना तो समझ जाओ कि वो डेल्टा का वैल्यू है। आप समझ में आ गया कि पेपर में आप डिप्रेशन को और एक टेम्परेचर की वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर उसे टेम्परेचर का वैल्यू दे रखा है तो वो बोलेगा कि टेम्परेचर का वैल्यू ये होता है, इज दिस, बट उसने आपको क्या बोला है, डिक्रीज इन इज फ्रीजिंग पॉइंट बाय, और जब भी बाय आ जाए ना तो उसका मतलब आप डेल्टा वाला टर्म वहां यूज करोगे, समझ में आ गया ना। चलिए इतना तो कवर हो गया। उसने आपको एक और चीज दे रखा है, ये उसने आपको एक बीकर के सॉल्यूशन की बात की, अभी हम लोगों ने दो केसेस डिस्कस किए थे ना, यही वाला केस है इसलिए वो डिस्कस करवाया था। अब आपको यहाँ पे दे रखा है 1.609 ग्राम ऑफ कंपाउंड, मतलब अब यहाँ पे आपको जो दूसरा मास दे रखा है ना सॉल्यूट का, वो दे रखा है 1.609 ग्राम्स। दूसरी चीज आपको दे रखी है इज डिसॉल्व इन 86 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है 86 ग्राम्स। तीसरी चीज आपको यहाँ पे दे रखी है कि जो भी डिप्रेस है फ्रीजिंग पॉइंट में वो भी बाय आ गया, बाय मतलब क्या होगा, डेल्टा, तो डेल्टा टीएफ का भी वैल्यू आपको दे रखा है 0.344 और के मतलब केल्विन, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और चीज बताई गई है, ध्यान से देखना, वो चीज ये बताई गई है कि दोनों के केस में आपका जो सॉल्वेंट है ना वो सेम है, दोनों के केस में आपका सॉल्वेंट सेम है, समझ में आ गया। अब सॉल्वेंट सेम है तो आप समझ जाओ क्या सेम हुआ होगा, एग्जामिनर ने डायरेक्ट कभी नहीं बताएगा आपको कि दोनों के लिए कांस्टेंट सेम होगा कि चलो आप कैलकुलेट कर लो, वो तो कोई बच्चा भी कैलकुलेट कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर सॉल्वेंट सेम हो जाए तो केएफ सेम होता है, ये चीज मैंने अभी आपको पढ़ाई है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पूछा गया है बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या होगा किसी भी अननोन कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड आपको पूछा गया है, ठीक है। आपको पूछा गया है मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड, ठीक है। चलिए आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहली चीज है मास, जब भी मैं बात करती हूँ मास की तो मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ डब्ल्यू से, जब भी मैं बात करती हूँ मास की डब्ल्यू, मास फॉर डब्ल्यू, एम फॉर डब्ल्यू, और मास ऑफ सॉल्वेंट में भी हम लोग क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूट अगर आ जाए तो हम लोग कौन सा वाला वर्ड यूज करते हैं, वन या टू, टू। सॉल्वेंट अगर आ जाए तो हम लोग वन यूज करते हैं, सॉल्वेंट अगर आ जाए तो वन, सॉल्यूट अगर आ जाए तो टू, ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन देने का तरीका है, इसी को हम लोग फॉलो करते चलेंगे। चलिए आ जाओ यहाँ पे, आपको उसने बताया है कि यहाँ पे उसने यूरिया को यूज किया है, यूरिया, ठीक है। चलिए दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए ना वो ये है, उसने आपको यूरिया का मॉलिकुलर मास भी दे रखा है 60। मॉलिकुलर मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से, अगर वो मॉलिकुलर मास सॉल्यूट का है तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी टू से, जो कि आपको दे रखा है यूरिया का 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलिए अब करते हैं, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि सॉल्वेंट जो है ना दोनों केसेस में वो सेम है। जिसको ये चीज समझ जाए कि अगर सॉल्वेंट सेम हो, इसी का मतलब के एफ दोनों के लिए क्या है, सेम, सेम फॉर बोथ डिफरेंट सॉल्यूशंस, के एफ क्या है उनका, सेम, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ साइड में देखते हैं, साइड में आ जाओ, साइड में, साइड में हम लोगों ने एक फॉर्मूले को देखा था, वो फॉर्मूला क्या कह रहा था कि डेल्टा टी एफ जो होता है उसी का मतलब होता है के एफ इंटू एम, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो भी आपका डेल्टा टी एफ होता है उसी का मतलब होता है के एफ इंटू एम, के जगह पे मैंने कुछ बताया था आपको, वो जो वैल्यू था आपका वो था 1000 इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, ये वाली चीज आई थी, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। चलिए ये वाली चीज तो हो गई, अब मुझे क्या करना है,
ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे कैसे करूंगी? बुक में ना उसने खूब लंबा चौड़ा दे रखा है, पहले एक का किया फिर दूसरे का किया, हम वैसे नहीं करेंगे। हम कंपेयर करके करेंगे, इजी बना के करेंगे इसको थोड़ा सा अलग तरीके से। ये हुआ आपका पहला वाला सोल्यूशन जो कि यहाँ पे, ये हुआ आपका दूसरा वाला सोल्यूशन जो कि यहाँ पे, उस सोल्यूशन के डेटा के नीचे मैं उसको लेके सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, अगर आप इस फॉर्मूले को के एफ के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कोई भी मुझे बता सकते, मतलब देख सकते हो आप लोग। अगर आप लोग को के एफ के टर्म्स में लिखना है, अगर आपको के एफ चाहिए तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू एम टू इंटू डब्ल्यू वन अपॉन 1000 इंटू डब्ल्यू टू। ये वाली चीज़ें कुछ भी नहीं किया है, इसको ऊपर लेके चले गए, इसको नीचे लेके आ गए, तो के एफ का वैल्यू मिल गया। दैट्स सो सिंपल। देखो डेल्टा टी एफ इंटू एम टू इंटू डब्ल्यू वन अपॉन 1000 इंटू डब्ल्यू टू इक्वल्स टू के एफ। कुछ भी नहीं किया, बस घुमा फिरा के एफ का वैल्यू निकाला है वहां से। ठीक है, अब आप लोग खुद सोचो कि मैं यहाँ पे के एफ का वैल्यू क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे के एफ के वैल्यू को इक्वल करवाना है, क्योंकि दोनों केसेस में सॉल्वेंट कैसे है सेम, तो इसका के एफ जो रहेगा ना वो इसके बराबर रहेगा। के एफ का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इंटू एम टू इंटू डब्ल्यू वन अपॉन 1000 इंटू डब्ल्यू टू। यहाँ पे के एफ का भी सेम फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला तो सेम है ना, डेल्टा टी एफ इंटू एम टू इंटू डब्ल्यू वन अपॉन 1000 इंटू डब्ल्यू टू। बुक के मेथड से मत जाओ, क्योंकि बुक में थोड़ा सा लंबा चौड़ा घुमा फिरा के करके पता नहीं क्या किया है। देखो 1000 से 1000 कैंसिल, चलो इसके नीचे वाला डेटा इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इसके नीचे वाला डेटा इसमें सब्स्टिट्यूट करो। डेल्टा डी एफ का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.211। एम टू का वैल्यू कितना दे रखा है, 60। डब्ल्यू वन का वैल्यू कितना दे रखा है, 98.5। डब्ल्यू टू का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.02 इक्वल्स टू। एम टू का वैल्यू कितना दे रखा है, नहीं एम टू का वैल्यू तो आपको निकालना है। ठीक है, एम टू का वैल्यू आपको निकालने का है। डब्ल्यू वन का वैल्यू कितना दे रखा है, 86। डब्ल्यू टू का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.609। टी एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.34। बस इन टर्म्स का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इन टर्म्स का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, दोनों को इक्वल किया, क्योंकि के एफ बराबर है, क्योंकि सॉल्वेंट कैसे है सेम। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर सॉल्यूट हो तो टू आ जाता है, इसलिए इसके लिए ये हमें निकालना है। अब मैं क्या करूँगी, हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा, तो आप यहाँ डैश लगा दो, डैश डैश डैश, तो डैश 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 डैश, उससे लगेगा कि चलो ये अलग है। इनको आप इक्वल करके एम टू का वैल्यू निकालोगे, और वो एम टू का वैल्यू आपका जो आएगा ना वो रहेगा 67.3 ग्राम पर मोल। क्रॉस चेक कर सकते हो एकदम इजी तरीके से, छोटे से दो लाइन के स्टेप में करवा दिया इस प्रॉब्लम को, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोगों ने अपना फ्रीजिंग पॉइंट वाला पार्ट भी यहाँ पे खत्म कर लिया है, वेपर प्रेशर खत्म, बॉइलिंग पॉइंट खत्म, फ्रीजिंग पॉइंट खत्म। अब बचती है आपकी फोर्थ वाली थिंग जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या क्या कैसे कैसे होता है वो सब देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो हेडिंग डाल सकते हो आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, और देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर एंटर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहली चीज ये है कि मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को भी क्यों चुना है, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, पहला तो वेपर प्रेशर हुआ, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट हुआ, तीसरा फ्रीजिंग हुआ, चौथा मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों स्टडी किया है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकाल सकती हूँ, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर्टी नहीं है, एक टर्म है, ठीक है, एक फिनोमिना है कि क्या हो रहा है, कैसा प्रेशर वहाँ पे इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके केस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो दो पॉइंट पहले हम लोग मैं लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है एक ऐसा फिनोमिना है, इट इज अ फिनोमिना, एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी हेल्प से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को। बॉइलिंग पॉइंट में भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था, फ्रीजिंग में भी किया था, वेपर प्रेशर में भी किया था, और यहाँ पे भी हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकाल सकते हैं।
इसलिए ये भी प्रॉपर्टी जो है ना, ये भी जो फिनोमिना है ना, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज जो है ना वो ये है कि इस चीज को भी, इस प्रॉपर्टी को भी विथ टेम्परेचर। तो सबसे पहली चीज मैंने ये देखी कि इस प्रॉपर्टी के हेल्प से भी हम लोग मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकाल सकते हैं, इसलिए ये भी काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज जो मैंने देखी वो ये है कि जैसे कि आप देखो, आपने जब वेपर प्रेशर लोअरिंग का देखा था, स्टडी किया था, वहां पे भी आपने ग्राफ प्लॉट किया था वेपर प्रेशर लोअरिंग वर्सेस टेम्परेचर। जब आपने बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी किया तो वहां पे भी आपने ग्राफ प्लॉट किया था वेपर प्रेशर लोअरिंग वर्सेस टेम्परेचर। जब आपने फ्रीजिंग पॉइंट देखा तो वहां पे भी आपने ग्राफ प्लॉट किया था वेपर प्रेशर लोअरिंग वर्सेस टेम्परेचर। तो आप देखो, आपने हर जगह पे वेपर प्रेशर लोअरिंग का टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन है उसी ग्राफ की हेल्प से उस प्रॉपर्टी को स्टडी किया था। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी आप वैसे स्टडी कर सकते हो वेपर प्रेशर लोअरिंग एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर से, ठीक है। और दूसरी बात यह कि इससे भी आप मॉलिकुलर मास किसी भी सॉल्यूट का निकाल सकते हो, इसलिए ये प्रॉपर्टी को भी हम लोगों ने इसके अंदर में इंक्लूड किया है। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे अपने वीडियो को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब सिंस आपका 12th स्टैंडर्ड है तो हम लोग को सारी चीजें डिटेल में लेनी पड़ेगी, शॉर्ट में तो ले नहीं सकते। और एक फिनोमिना है ना, वहां पे एक्सप्लेन किया गया है कि प्रेशर कैसे डेवलप होता है, ये प्रेशर क्यों हेल्पफुल है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग रिलेशन में देखेंगे कि उसमें भी आपका रिलेशन क्या होता है, किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास के साथ। सेम ही चीज करता है तीनों चारों केसेस में, मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या रिलेशन है वही निकाला है। क्यों? क्योंकि डिटरमाइन ही करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट, बिकॉज योर कमेंट्स जो होते हैं, आपके जो भी कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए काफी मोटिवेटिंग होते हैं। इसलिए अगर आपने वीडियो को देखा है तो प्लीज कमेंट तो बनता ही। थैंक यू वेरी मच।